क्या हाल है मेरे भाइयों, कैसे हो सारे भाई। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ बैटमैन की नेक्स्ट गेम को लेकर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूँ मैं आपको। तो ये मैंने करा हुआ है डार्क मोड, इसको कर देते हैं ऑफ डार्क मोड को, एंड लेट्स रीलोड दिस। ओके, तो गाइज WB गेम्स मॉन्ट्रियल, ये एक कनाडा बेस्ड कंपनी है, ये कनाडा बेस्ड स्टूडियो है जो बनाता है वॉर्नर ब्रदर्स के लिए गेम्स। और ऑब्वियसली वॉर्नर ब्रदर्स के पास राइट्स हैं, जैसे मार्वल के राइट्स बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं, तो ऐसे वॉर्नर ब्रदर्स के पास है DC कॉमिक्स के राइट्स गेम्स और मूवीज़ के लिए। तो अभी जब भी आपने कोई मूवी देखी होगी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर जस्टिस लीग जैसी मूवी, तो उनमें आपको देखा होगा कि WB का जो है साइन बना आता है स्टार्टिंग में। दैट्स बिकॉज वॉर्नर ब्रदर्स के पास इनके राइट्स हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था मैं आपको बताया था, रॉक स्टडी स्टूडियोज़ ये एक ऐसा गेमिंग स्टूडियो है जो हमेशा से बैटमैन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त गेम्स बनाता है। तो आप लोगों ने आर्कम असाइलम खेली होगी, PS3 की गेम है, बहुत ही फेमस गेम है। बैटमैन आर्कम सिटी आई, उसके बाद उससे भी ज़्यादा फेमस गेम है, उसके बाद आई बैटमैन आर्कम नाइट। आर्कम VR भी एक चीज़ है, बट आर्कम नाइट आई थी 2015 में। ये लास्ट बैटमैन की मेजर गेम थी और इस गेम का कोई मुकाबला नहीं है बैटमैन सीरीज में। लेकिन बीच में रॉक स्टडी स्टूडियोज जब बिजी थे बैटमैन आर्कम नाइट को डेवलप करने में, तो यहाँ पे बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स भी एक गेम आई थी जो कि इस लाइन में नहीं है। और अगर आप में से किसी ने ये गेम नहीं खेली तो मैं आपको बता दूं, इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, रॉक स्टडी गेम्स के जैसे ही ग्राफिक्स हैं। तो अगर आपने ये नहीं खेली है तो भाई इस गेम को ज़रूर खेल लेना। बाय द वे, रॉक स्टडी की ये सारी गेम्स बैटमैन आर्कम असाइलम सिटी एंड नाइट, ये तीनों ही करेंट जिन कॉन्सोल्स पर अवेलेबल है, लेकिन आर्कम ओरिजिन्स PlayStation 3, Xbox 360, Wii U और Windows पे है। तो ये PS4 पे नहीं है, इसका रीमास्टर्ड वर्जन नहीं आया, लेकिन Rocksteady की सारी गेम्स अवेलेबल हैं PS4 पे और Xbox One पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हाल फिलहाल में ये जो बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये गेम आई थी कब, 2013 में, और जो बैटमैन आर्कम नाइट है ये आई थी 2015 में। तो 2012 से लेकर 2015 तक रॉकस्टेडी स्टूडियोज काम कर रहे थे बैटमैन आर्कम नाइट पे। बीच में एक और गेम के लिए WB ने अपने ही स्टूडियो WB गेम्स मॉन्ट्रियल को ये काम दिया कि भाई आप बनाओ एक गेम आर्कम ओरिजिन्स, यानी कि बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी के ऊपर जो जोकर के साथ लिंक्ड होती है, स्पॉयलर्स थोड़े से। तो ये गेम आई और ये आई थी 2013 में, अक्टूबर 25, ये बनाई थी WB गेम्स मॉन्ट्रियल ने, ठीक है। अब WB गेम्स मॉन्ट्रियल ने करा क्या है, यहाँ पे कल आप देख सकते हो September 22nd को ये चीज़ टीज करी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या टीज करा है। ये उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, सिंबल्स, तो थोड़ी सी क्लिप बची है बस, ठीक है। अब आप लोगों को ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मतलब क्या सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें इस ट्वीट को, ये सिंबल्स ये देखिए गाइस, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं आपको देखने को मिले हैं। अब अगर आप इनके विकिपीडिया पेज पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 में बैटमैन आर्कम गेम। अब ऑब्वियसली विकिपीडिया को कोई भी चेंज कर सकता है, विकिपीडिया पे कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और ये अपडेशन हुई है कल के इस ट्वीट के बाद से ही। तो एक नई बैटमैन आर्कम गेम की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी WB गेम्स मॉन्ट्रियल की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये स्टूडियो खाली तो बैठे नहीं होते, ये लोग काम करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। हमें रॉकस्टडी स्टूडियो की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली वो या तो सुपरमैन या बैटमैन गेम पे काम कर रहे हैं। लेकिन WB गेम्स मॉन्ट्रियल के पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जो बैटमैन के रिगार्डिंग है, और बैटमैन की 80th एनिवर्सरी पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। एक तो एपिक गेम स्टोर पे आपको बहुत सारी गेम्स फ्री में मिल रही हैं, और अभी भी जाके अवेल करो, 26 तक है वो ऑफ़र। साथ में आपको फोर्टनाइट में बैटमैन की स्किन्स मिल रही हैं, और यहाँ पे अब ये टीज़, भाई बहुत बड़ी गेम आने वाली है आई थिंक
और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगी। गाइस आपका क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।